बढ़िया होने। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और आप देख रहे हैं सिर्फ पहाड़। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ अलग ही लोकेशन से हो रही है मेरे पीछे की। आप एक बार इस लोकेशन को देख सकते हैं और एक बार आप आज का मौसम भी देख लीजिए। बड़ा सुहावना मौसम हो रखा है और सामने की चोटियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। दोस्तों, एक्चुअली मैं और मेरे साथ मेरी माँ आंवले लेने के लिए आ रखे हैं। मेरे गांव से आगे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है घरियाणा। यहाँ पीछे की साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पीछे आपको ढंग से नज़र नहीं आएगा, सामने पर एक दो मकान दिख रहे हैं तो देख लीजिए। ये है घरियाणा गांव, जो कि मेरे गांव के ठीक आगे पड़ता है। और घरियाणा गांव के आसपास आंवले काफ़ी मात्रा में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप यहाँ नीचे पर देख रहे होंगे इस वाले पेड़ पर कितने सारे आंवले लदे हुए हैं, जबकि लोग काफ़ी सारे आंवले घर ले जा चुके हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे आंवले हैं। कि माँ तो यहाँ नीचे चली गई है यहाँ पर आंवले निकालने के लिए। तो चलो, अब मैं भी चलता हूँ और पहले इस कट्टे को उठाता हूँ। वैसे जो ये होटल है ना, मेरा ही है। ये देखो इसकी कैसी बेइज्जती हो रही है। चलो कोई नहीं, इसको मैं बाद में झाड़ लूँगा। तो दोस्तों, आजकल ना हम आंवले का मस्त वाला अचार खा रहे हैं डेली, और दो तीन डिब्बे माँ ने बना के रखे हैं, फिर भी हम आंवले लेने के लिए आ रखे हैं अचार बनाने के लिए। जो ये वाले आंवले हैं ना, इन वाले आंवलों का हम अचार नहीं बनाएंगे, अपने लिए नहीं बनाएंगे और ना ही हम घर में बनाएंगे। इन आंवलों को हम अपनी मौसी जी को देंगे और मेरी मौसी जी ना अचार बनाएंगे। जो ये आंवले हैं ना, इनको हम अपनी मौसी जी के लिए खास निकाल रहे हैं। एक बात है, जो ये वाला एरिया है ना, तो ये मेरे गाँव से थोड़ा ही आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट यहाँ इतनी डेंजरस वाली पहाड़ी है। आप इस पहाड़ी को देख सकते हैं, और जो पहाड़ी वाले इलाके रहते हैं ना, उन इलाकों की हमेशा एक खासियत होती है कि उनमें हवा काफ़ी ज़बरदस्त वाली चलती है। ये देखो, ज़बरदस्त हवा चल रही है यहाँ। ले माँ, तेल पकड़ो माँ, कट्टा। हाँ ओके। ये देखिए गाइस, कितना ज़बरदस्त यहाँ ये पहाड़ी है। ये थेल, ओ माय गॉड, ओहो, वो इतनी बोलो बहुत बेकार भाई। कौन ये देखिए गाइस, नीचे कितनी गहरी खाई है नीचे, और आंवले देखो आप इस वाले पेड़ पर कितने ज़्यादा लगे हैं। ये देखो, ओके ठीक। तो चलो फिलहाल हम मौसी के लिए आंवले इकट्ठा करते हैं। और मैं क्या बोल रहा था कि जो ये वाला एरिया है ना, इससे थोड़ा पीछे ना मेरे गांव का जंगल भी पड़ता है। तो चलो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इन आंवलों को निकाल के इस थैले में रखता हूँ, इस छोटी सी पन्नी में, ये देखिए, जो कि अभी फुर्र से उठ जाएगी। तो चलो फटाफट मैं रखता हूँ, और सारे आंवले निकालने के बाद मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। चलो गाइस, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस, बड़ी मुश्किल से हमने काफ़ी सारे आंवले इकट्ठा कर लिए हैं। यहाँ पीछे आप मेरी माँ के कंधे में इस कट्टे को देखिए, इसमें काफ़ी सारे आंवले हैं, लगभग 3-3.5 किलो तक। और आंवले निकालने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क था यार, आप मेरी माँ से भी पूछ सकते हैं। तो माँ या भाई बोथो बोल, बोथो बोल, व्यूअर्स लोग होते हैं घरेलू अचार बनाते। हाँ, तो ये देखिए माँ ने क्या कहा कि जो घर का अचार रहता है, जैसे कि नींबू का हो गया, फिर आंवले का हो गया, तो उन अचार को खा के हमारे शरीर के लिए फ़ायदा होता है, जैसे कि बीमारियाँ नहीं होते हैं और ऊपर से बीमारियाँ करती भी हैं। तो इन्हीं फ़ायदा है घर के अचार को खाने का, और साथ ही साथ बराबर है, एक आंवला का बराबर होता है, हैं, सात फल ना एक आंवला बराबर। हाँ, सात फलों के बराबर एक आंवला होता है। तो आप सोच सकते हैं आंवला कितना ताकतवर फल होगा, जो कि सात फलों के बराबर है एक फल, ऐसा मेरी माँ बोल रही है। तो फिलहाल हम आधे रास्ते आ गए हैं और हमने दिल पे हाथ रख के आंवले निकाले हैं। सच में गाइस, दिल की धड़कन ना चौगुनी स्पीड से बढ़ रही थी, धक 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 ऐसा हो रहा था। आंवले निकालते समय ऐसा फील हो रहा था कि किसी भी टाइम पेट फिसल सकता है और गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट एक बार आप इस वाले लोकेशन को देखिए और इस वाले लोकेशन को देखकर हैरान हो जाइए गाइस। गाइस, जो ये वाले लोकेशन है ना, इस वाले लोकेशन में इतने सारे चीड़ के पेड़ हैं, इतने ज़्यादा घने,
कि आप देखिए आपको सिर्फ चीड़ के पेड़ नज़र आएंगे, ये देखिए गाइस। और जो ये वाला जंगल है ये मेरे गांव के थोड़ा सा आगे पड़ता है, बट यहाँ चीड़ के इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे कि आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे होंगे। सच में बताऊँ गाइस एक बात, मैंने इतना घना जंगल अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा है, कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं। तो चलो फिलहाल हम फटाफट चलते हैं घर, और जो आंवले हैं ना वो मैं आपको घर में दिखाऊंगा एक परात में, जब हम इन आंवलों को रखेंगे। और उससे पहले माँ ये आंवला दीवार खाने थे, चलो उससे पहले एक खा लेते हैं। वैसे आजकल के सीजन के आंवले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, खाने लायक तो हैं पर पक गए हैं, ये ज़्यादा ही जल्दी गल जाएंगे। देखो एकदम रेड कलर के हो रखे हैं, तो स्वाद इनका वही है बट पक गए हैं, जैसे कि अब इनसे अचार बनाया जाए ना काफ़ी जल्दी गल जाएंगे, इनके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो फिलहाल के लिए कैमरे को साइड में करते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं और मेरी माँ आंवले लेके घर आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने इन आंवलों को इस परात में रख लिया है, ये देखिए, और कुछ कुछ इधर उधर भी गिर गए हैं, चलो इनको उठाते हैं, ये देखो। तो बड़ी मेहनत करके हम इन आंवलों को लेके आए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े दाने हैं, वैसे कोई बड़े बड़े हैं और कोई छोटे छोटे हैं। वाह, दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप में से किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इनको देखे। वाह, तो चलो फिलहाल मैंने आपको आंवले भी बता दिए हैं। और हाँ दोस्तों, आज मेरे गाँव में शादी है, एक्चुअली गाँव में एक चाचा जी है ना, तो आज उनकी शादी है, और आज उनकी शादी की मेहंदी है, तो फिलहाल मैं वहाँ भी चलता हूँ जहाँ पर शादी हो रही है, और आपको अपने पहाड़ों की रीति रिवाज दिखाता हूँ, साथ ही साथ अन्य एक्टिविटीज़ भी दिखाता हूँ जो जो वहाँ पर होंगी। चलो फिलहाल माँ इनको कट्टे के अंदर वैसे पैक कर देगी, ये रखना के पर तो माँ थैले में पैक करेगी, उसके बाद मौसी के पास पकड़ा देगी इनको। तो चलो फिलहाल मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ पर शादी है, जिस वाले लोकेशन में आज शादी है ना, तो उस वाले लोकेशन का नाम मूल्यधार है, जो कि सामने की साइड पड़ता है, सामने मूल्यधार मेरे गांव का एक हिस्सा है जहाँ पर भी काफ़ी सारी फैमिलीज रहती हैं। तो फिलहाल मैं मुँह धोता हूँ और चलता हूँ, इसे ना पेड़ पर चढ़ के मुँह ख़राब हो गया है और धोने लायक है। दोस्तों अभी मैं उस वाले लोकेशन में आ चुका हूँ जहाँ पर आज शादी है, वैसे आप यहाँ की लोकेशन को देख सकते हैं, ये देखिए, और इस वाले लोकेशन का नाम मूल्यधार है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन मकानों को, तो यहाँ पर मेरे गांव के लोग रहते हैं और काफ़ी सारी फैमिली यहाँ पर निवास करते हैं, जैसे कि सामने आप देखिए, फिर यहाँ देखिए, और मेरा घर है सामने की तरफ। बाय द वे यहाँ पर देखिए हमारे पहाड़ों के पकवान बनाए जा रहे हैं, और मेरी गांव की महिलाएं देखिए, और वो सामने पर दादा जी को देखिए, वो तल रहे हैं फिर निकाल रही है, देखिए। तो जब कभी भी हमारे पहाड़ों में शादी ब्याह होते हैं ना, तो इनको बनाना ज़रूरी होता है। और पीछे की लोकेशन को भी आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन है, यहाँ देखिए। वाह, तो इस वाले लोकेशन का नाम भी खालेश्वर है, और यहाँ मेरे गाँव वालों के खेत हैं जैसे कि देखिए, और यहाँ रोपाई होती है। वाह, कितनी खूबसूरत ये वाले लोकेशन लग रही है, जो मेरे पहाड़ों के पकवान बन रहे हैं ना वो यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ आगे ये देखिए नीचे पे, और यहाँ पर डीजे टेंट की व्यवस्था हो रखी है, और कुछ लोग नीचे हैं। तो चलो फिलहाल मैं एक चक्कर नीचे चलता हूँ और आपको ढंग से दिखाता हूँ अपने पहाड़ों के पकवान। गाइस यहाँ पर देखिए हमारे पहाड़ों के पकवान बनाए जा रहे हैं, ये देखिए कढ़ाई में, और मेरे गांव की महिलाएं देखिए इन पकवानों को यहाँ पर डाल रही हैं तलने के लिए, और कुछ यहाँ पर बैठे हैं। बाय द वे यहाँ पर सभी के लिए प्रसाद के रूप में सूजी बनाई गई है, ये देखिए हलवा इन नाना जी ने बनाई है, और यहाँ पर ये खाने पर लगे हुए हैं। लाला जाओ जाओ, हाय कर, हाय कर, तो एक बार सबके सब हाय जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एक गोभी की कटिंग की हुई है, तो कीर्तन करने वाले महिलाएं हैं ना उनके लिए चौमे की व्यवस्था है, और ये मेरे भाई जी देखिए कल ही मुंबई से आए हैं। भाई जी के स्वभाव और सब बढ़िया, सब बढ़िया है, और है। ये भी है भाई जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा तो आपने सूजी खा ली हलवा? अच्छा तो कैसे हो रही थी? बहुत बढ़िया। अच्छा तो यहाँ पर इन्होंने खा ली है, और चलो मैं अभी देखता हूँ थोड़ी देर बाद मैं भी खाता हूँ। वैसे यहाँ पर ना धुआं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आंखों के अंदर जा रहा है, तो मैं फिलहाल मैं सूजी खाता हूँ।
और इन भाई जी का डॉग ये देखिए, इसका नाम लक्की है। ये देखिए लक्की, लक्की, लक्की। तो दोस्तों फिलहाल मैं गाँव पर से यहाँ नीचे आ गया हूँ अपने गांव की सड़क में। ये देखिए यहाँ पर शादी हो रही है और यहाँ नीचे पर मेरे गांव के छोटे छोटे बच्चों को देखिए, ये देखिए। और गाइस आप ये वाले लोकेशन को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक बैंड भी, और जब कभी भी हम मार्च जाते हैं ना तो गाड़ी में बैठने के लिए यहीं आते हैं। ये हमारे गांव का मेन बैंड है और फेमस लोकेशन है काफ़ी। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए इनके हाथ में सूजी है, जो सूजी रहते हैं ना वो खासकर छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है। हाँ हाँ बोल भी करना। और भैया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ये देखिए ये हलवा खा रहे हैं और सबसे पहले इन बताओ कनवाणी सूजी मस्त बढ़िया वाणी। अच्छा वाह, आपने मेरे गांव के नटखट बच्चों को भी देख लिया है। और यहाँ पर जो छोटी छोटी बहन है शाम बैठी हुई है, क्या बात है, तुम तो चुप के लिए बैठे हैं। मैं सूजी लेके छत में आ गया हूँ यहाँ टॉप पे। और ये देखिए सूजी, मैं सच बताऊँ सूजी काफ़ी टेस्ट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा खाने का मन कर रहा है इस सूजी को, इस प्रसाद को। मैं सब कुछ साफ कीर्तन की आवाज़ सुन रहे होंगे। और ये देखिए चाचा जी लाइट की व्यवस्था करने आ गए हैं कीर्तन मंडल वन हो चले और रात के लिए। हाँ तो चाचा जी को देखिए, और चाचा जी के स्वाब बढ़िया, सब बढ़िया और सब बढ़िया। तो इन्हीं के भाई जी की शादी है छोटे भाई की। और फिलहाल मैं सूजी खाता, ये देखो वाह, इस मौसम में ऐसे छत में सूजी खाने का कुछ अलग ही मजा है। आहा, चारों ओर से जबरदस्त वाली हवा चल रही है, लोकेशन भी काफ़ी बड़ी प्यारी है। तो फिलहाल मैं इस सूजी को फटाफट ख़त्म करता हूँ और आपको कीर्तन दिखाता हूँ। ब्राह्मण है भी।
पर आसपास से लोग भी हैं, जैसे कि मेरे दोस्त हानी जी का डांस हो रहा है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से तो क्या ही दिखेगा, बट नीचे जाके मैं दिखाता हूँ आपको। हमें यहाँ पर देखिए लोग बैठे हुए हैं, डीजे का इंतजार कर रहे हैं।